इससे पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना, जो आपके गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अब आपने एक गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, इसे आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया दो एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो आपको एक वेक्टर ए वेक्टर से दो वेक्टर मिल गए, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और दूसरा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। याद रखिएगा कि जो आपको मिला है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन ना बोल करके हमें वर्ड यूज करना चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ये जो आपको मिले हैं ये अपने आप में कंप्लीट वेक्टर्स हैं। आपका जो गिवन वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, और जो अब आपने बनाए नए आपको मिले अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, इनमें अपने अपने इनके मैग्नीट्यूड है, इनकी अपनी अपनी डायरेक्शन है। तो जो आपने अलोंग एक्स एक्सिस बनाया उसकी डायरेक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, अलोंग एक्स एक्सिस। जो आपका कंपोनेंट मिला है अलोंग वाई एक्सिस उसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग। अच्छा, अगर ए वेक्टर का कोई एक यूनिट वेक्टर है, हर वेक्टर का एक ना एक यूनिट वेक्टर होता ही है, अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो फिर कोई और दूसरा वेक्टर, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसका भी तो यूनिट वेक्टर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन को, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका एक वेक्टर है, सिंपल कंडीशंस हम लेके चलते हैं कि एक वेक्टर है, आपने दो एक्सिस पर इसे रिजॉल्व कर लिया, एक्स और वाई एक्सिस पर आपने इसे रिजॉल्व कर लिया। एक गिवन वेक्टर था आपका, ये था गिवन वेक्टर, ए वेक्टर एंगल थीटा पर था, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, यहां से ये पूरा का पूरा अब आपका बन गया, ये कौन सा बन गया? ए एक्स वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर बना है ये, इसका अपनी लेंथ है तो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन इसकी कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस है। और फिर आपने इसका एक और कंपोनेंट बनाया, एक और कंपोनेंट आपका ये बना, थोड़ा डार्क लाइन बना रहा हूं ताकि रेड दिखाई दे ब्लैक के ऊपर, इसे आपने क्या कहा? वाई कंपोनेंट कहा। कैसे बनाया था आपने? ए से लेकर के वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया था। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट वेक्टर है, अपने आप में कंप्लीट वेक्टर है, इनकी अपनी डायरेक्शन है, इसकी भी अपनी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो कुछ भी होता रहे लेकिन डायरेक्शन कितनी क्या है इसकी? डायरेक्शन है इसकी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो ये जो ए वेक्टर आपने लिखा हुआ है, ये जो ए वेक्टर आपने यहां बनाया है, इस ए वेक्टर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ध्यान दीजिए, वेक्टर का निशान हटाते ही सिर्फ क्या रह जाता है? मैग्नीट्यूड रह जाता है, या वेक्टर अगर आप लगाना चाहते हो तो फिर इसको मॉडुलस में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या आ जाए? इसके साथ आ जाए क्या? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अगर कोई और, मैंने यहां वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये एक और वेक्टर मैंने बनाया बी बी वेक्टर, ये आया थीटा डैश पर, तो इस बी वेक्टर के मैं क्या बनाऊंगा कंपोनेंट? ये मेरा बनेगा, क्या बनेगा? ये पूरा यहां से यहां तक बन जाएगा, क्या बोलिए? ये बनेगा बी एक्स वेक्टर, और फिर यहां मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूंगा, ये क्या बन जाएगा? ये पूरा ये बन जाएगा बी वाई वेक्टर। तो एक बात कुछ कॉमन दिखाई देता है ए एक्स वेक्टर और बी एक्स वेक्टर में। बी एक्स वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? बी एक्स वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स वेक्टर इंटू व्हाट? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ए एक्स वेक्टर की है वही डायरेक्शन बी एक्स वेक्टर की है। ए एक्स वेक्टर कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस। बी एक्स वेक्टर कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस।
जो डायरेक्शन ए वेक्टर की ही है वही डायरेक्शन बी वेक्टर की है, और डायरेक्शन को बताने वाला वेक्टर क्या कहलाया जाता है? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का है वही यूनिट वेक्टर बी वेक्टर का भी है। मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मैं? दो वेक्टर के एक से कैसे हो जाएंगे भाई? दोनों अलग अलग वेक्टर है, ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है, ए एक्स वेक्टर अलग है, बी ए एक्स वेक्टर अलग है, इनके मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन सेम है, तो यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा फिर इनका, सेम हो जाएगा। क्यों भाई? ए एक्स वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर होगा, बी एक्स वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर होगा, जब ये अलग अलग वेक्टर्स हैं तो इनके यूनिट वेक्टर सेम हो जाएंगे। क्यों? सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर तो केवल डायरेक्शन बताता है, जो डायरेक्शन ए एक्स वेक्टर की वही डायरेक्शन, तो इसका मतलब ए एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर और बी एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम है, ए एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर और बी एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर दोनों सेम है। आपके पास 10 20 50 हजार वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, सबके यूनिट वेक्टर, क्योंकि सब यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताता है, सबकी डायरेक्शन एक सी, तो क्यों ना एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर को हम पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, इसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप, ठीक है, और फिर यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस कितना आएगा, के कैप। लेकिन एक चीज और, अगर आप यूनिट वेक्टर अलोंग, देखो ये वाले वेक्टर कौन सा है, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, अगर आपको यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्स एक्सिस लिखना हो, अगर आपको यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस लिखना हो, आपको यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस लिखना हो, तो फिर क्या आएगा बताओ, माइनस आई कैप, ये क्या आएगा, क्योंकि अपोजिट वेक्टर बन गया ना, बस ए कैप का, ए कैप अगर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसका अपोजिट माइनस आई कैप क्या होगा, आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो अब ये जो ए एक्स वेक्टर है, इस ए एक्स वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, इसे हम ए एक्स कैप, जो ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आपने एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट कर लिया, तो फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, इसी को, इस पूरी इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे, आई कैप इक्वल्स ए एक्स वेक्टर अपॉन ए एक्स, और इसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, आई कैप इज इक्वल टू
बी एक्स वैक्टर डिवाइडेड बाय बी एक्स, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा मैं? अजी ऐसे कैसे हो जाएगा, ए एक्स और आई भी आई कैप लिख दिया, ये भी आई कैप लिख दिया, कोई मतलब ही ना, कोई फर्क ही ना इनमें, ठीक लिख रहा हूँ मैं गलत लिख रहा हूँ? हाँ ठीक लिख रहा हूँ, चलो जब आप कह रहे हो तो मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपके साथ नहीं आपके पीछे पीछे हूँ, जहाँ आप चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कहूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, क्या लिखा जाएगा, ए एक्स वैक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप, और बी एक्स वैक्टर कैसे लिखा जाएगा, बी एक्स आई कैप, समझ आई बात? तो जब भी आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेना है, सिंपली आपने क्या लेना है, आई कैप लेना। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपने लेना है यूनिट वेक्टर, तो वो कितना होगा, माइनस आई कैप, आई के ऊपर छोटा सा ये बना देते हैं कैप, कैप ही तो है ये जो इसके ऊपर उड़ा दिया हमने, इसको उसको इसके सर पर रख दिया, आई कैप जे कैप के कैप, आई एक्स एक्सिस के अलोंग, जे वाई एक्सिस के अलोंग, के केवल यही सिंबल है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इसकी जगह कुछ और यूज मत कीजिएगा, आई जे के यही एक्सेप्टेड है, क्लियर हो इतनी बात? तो लिख लीजिए अब हेडिंग इसका, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेसेस।